दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात की थी कैसे हमारे किसान ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करके 1 एकड़ से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे किसानों के सवाल थे, भाई हमारे यहाँ तो गर्मी इतनी पड़ती है, वैरायटी कौन सी लगाएं। आपके खूब सारे सवाल थे, सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। हम पहुंचे हैं हैदराबाद में डॉक्टर श्रीनिवासन जी के पास। पूरी जानकारी के लिए आप अंत तक वीडियो में बने रहें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी भी दबाएं, जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो भी करें। नमस्कार सब लोगों को, मैं डॉक्टर श्रीनिवास राव माधवरम हैदराबाद से, डेकन एग्जॉटिक्स ड्रैगन फ्रूट फार्म। आज आपकी जो क्वेश्चंस हैं हमारे जो पुराने वीडियोस के बारे में, उसको आज आंसर कर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी वैरायटी। सो आपको मालूम ही है, यहाँ पे हम रिसर्च प्लांट ड्रैगन फ्रूट के ऊपर करते हैं डेकन एग्जॉटिक्स ड्रैगन फ्रूट फार्म में, संगारेड्डी हैदराबाद में। सो हमने प्लांटिंग मटेरियल, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट में तकरीबन 150 से ज़्यादा, मोर देन 150 वैराइटीज़ होते हैं, और जो इंडिया में कॉमन वैराइटीज़ जो होते हैं, जो उनका कल्टिवेशन एरिया ज़्यादा है, उनको हम पहले यहाँ पे कोड दिए हैं। उसका कोड है ए माने एलिस वाइट वैरायटी। ये महाराष्ट्र में ज़्यादा तरह सोलापुर सांगली के इलाके में ज़्यादा फर्स्ट कल्टीवेशन प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, तकरीबन 8 से 9 साल पहले। ये सफ़ेद पल्प वैरायटी है। मेरा राइट साइड में जो है वो है ए वैरायटी, इसको एलिस वाइट वैरायटी भी बोलते हैं, और सफ़ेद गुदा का है वो, माने वाइट पल्प। और ये प्लांटेशन आप जो देख रहे हैं, ये तकरीबन 2 इयर्स 9 मंथ ओल्ड प्लांटेशन है, ये ए वैरायटी है। उसके बाजू आप जो देख रहे हैं वो है राइट साइड ही, वही ब्लॉक में बी वैरायटी बोलते हैं उसको, और ये भी 2 इयर्स 9 मंथ ओल्ड प्लांटेशन है, और इसको पिंक पर्पल वैरायटी बोलते हैं। ज़्यादातर ये कलकत्ता से सप्लाई होता है नर्सरियों से, गुजरात में इसका ज़्यादातर प्लांटेशंस हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटका में है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसके ज़्यादातर प्लांटेशंस हैं। ग्रोथ मीडियम, प्रोडक्शन मीडियम से हाई, स्पेशली ए का थोड़ा हाई रहेगा, 8 टन तक आएगा, और बी वैरायटी का आप देख सकते हैं 5 से 6 टन आएगा, उसका एवरेज साइज़ फ्रूट का साइज़ बहुत छोटा रहेगा, और सन टेम्परेचर्स ज़्यादा नहीं ले सकता है, 40 से ज़्यादा होने पर येलो बर्न हो जाता है प्लांट का। आप देख सकते हैं अभी आज है 25 मई, और तेलंगाना में टेम्परेचर्स पिछले एक हफ्ते से 43 डिग्री से 46-47 डिग्री तेलंगाना में रिकॉर्ड हो रहे हैं। सो ये वीडियो भी मैंने चूज़ करी है लास्ट वीक ऑफ मई करने के लिए, क्योंकि उसको आपको दिखाना है प्रैक्टिकली हायर टेम्परेचर्स में प्लांट कैसे बिहेव करता है, और उसका सनबर्न होने से कैसे बचा सकते हैं प्लांट को, और वैरायटी चूज़ करने का फ़ायदा क्या है। ये देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में, ये सी वैरायटी है जो डेकन एग्जॉटिक्स में हमने वो हाइब्रिडाइज करी है, हाइलोसिरस उंडेटा स्पीसीज और हाइलोसिरस कोस्टारिंका स्पीसीज से। इसका ग्रोथ देख सकते हैं आप, ये तकरीबन 2.5 ईयर ओल्ड प्लांटेशन है, अप्रैल फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 31st एग्जैक्टली 2018 को ये प्लांटेशन हुआ है, और तकरीबन 2 इयर्स 3 मंथ से 2 इयर्स 2.5 इयर्स तक ओल्ड प्लांटेशन है, और इसको हमने लास्ट सीजनल प्रोडक्शन लिया है, वो है नॉर्मल जून से अक्टूबर तक, उसमें 6.5 टन इसमें रिकॉर्ड किया हुआ है, और ऑफ सीजन प्रोडक्शन ये लाइट बल्ब से इसमें हमने किया है, उसको हमने 2.5 टन निकाले हैं लास्ट सीजन फ्रॉम दिसंबर टू मार्च।
और इसका प्लांट का ग्रोथ देख सकते हैं आप हमारे पुराने वीडियोस, दो तीन महीने पहले जो हमने सरदार जी के साथ किया है वो वीडियो कंपेयर कर सकते हैं और ये वीडियो कंपेयर कर सकते हैं उसका ग्रोथ कितना है। और सनबर्न मेजर प्रॉब्लम है समर के टाइम में, सनबर्न और सेकेंडरी इन्फेक्शंस। आप खुद ही देख सकते हैं प्लांट के ऊपर कितना सनबर्न है और डैमेज कितना है, सेकेंडरी इन्फेक्शंस कितना है और फंगल इन्फेक्शंस क्या है प्लांट के ऊपर, आप खुद ही अपने आंखों से आप देख सकते हैं। और ये हो गया वैरायटी ए, बी और सी। और ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारा नया डी वैरायटी है, ये पूरा एक साल का ग्रोथ है, ओनली वन ईयर, एक साल का ग्रोथ है ये प्लांट आप जो देख रहे हैं। वेरी एग्रेसिव ग्रोथ, इसका बडिंग क्वालिटी, फ्रूटिंग भी बहुत अच्छा मिलेगा। खाली एक साल का ग्रोथ और ये बर्ड्स आप देख सकते हैं कितना बर्ड्स है और इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रॉबेबली नेक्स्ट सीजन तक हमारे फार्मर्स को हम इसका रिजल्ट्स हम बता देंगे। ड्रैगन फ्रूट में 150 से ज़्यादा वेराइटीज़ होते हैं और हमारे रिसर्च के लिए हमने ए, बी और सी ऐसा डिवाइड कर किया हुआ है। ये कुछ वैरायटी एक्चुअली नहीं है, ये तो सी उसको कोड दिया है, हमने जो वैरायटी को डेवलप किया है वो उसको हमने सी बोल के कोड दिया है और उसी को अभी हम फार्मर्स को भी दे रहे हैं सी और हाइब्रिड वैरायटी सी और सी एम रेड के नाम पे दे रहे हैं। ये कुछ वैरायटी तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डेवलप किया हुआ वैरायटी है। हमने लास्ट वीडियो में हमारे दोस्तों ने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करा है, स्पेशली एलईडी बल्ब से जो फार्मिंग करते हैं उसको हम इज़ इट फीजिबल, इज़ इट वायबल, उससे प्लांट डैमेज हो सकता है, वो सारी बातें मैं आज आपको आंसर दूंगा और आपका डाउट्स क्लैरिफाई कर दूंगा और रिजल्ट आपके सामने है। मैं आपको प्लांट के बाजू खड़े होके ही मैं पीक समर में जब यहाँ पे तेलंगाना में 43 से 47 डिग्रीज अभी टेम्परेचर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं एक हफ्ते से, उसी टाइम पे जो प्लांट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उसी टाइम पे मैं ये वीडियो आपको कर रहा हूँ। सो राइट साइड में आप देखें तो ये वेराइटीज़ का सन डैमेज कितना है वो आप खुद ही देख सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन आउटब्रेक कितना है खुद ही देख सकते हैं और प्लांट कितना वीक हो गया वो भी आप खुद देख सकते हैं और प्लांट उसका प्रोडक्शन कैसा है, ग्रोथ कैसा है आप खुद ही देख सकते हैं। इस तरफ लेफ्ट साइड आप सी वैरायटी को देख रहे हैं, इसका ग्रोथ कितना बढ़िया है इवन आफ्टर सीजन एंड ऑफ सीजन प्रोडक्शन, साल में 9 से 10 महीने प्रोडक्शन लेने के बाद भी प्लांट कितना हेल्दी है और सन डैमेज कितना है आप खुद ही अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। पहला सेकंड क्वेश्चन वाज जो प्लांट नया शूट्स डेवलप करेगा वही शूट आपको फ्रूट देगा है, नो इट इज़ नॉट राइट। सो अगर आप अंदर देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो ये नया ब्रांच नहीं है, इट इज़ अ वेरी ओल्ड मैच्योर ब्रांच। इसको अगर प्लांट में और स्टेम में आपको फूड रहेगा तो ये फ्रूट देगा, उसको उसके स्टोरेज फूड होना है और उसके साथ लाइट भी होना है। अब अगर आप ये यंग नया ग्रोथ है आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फ्लावरिंग आया नहीं, यंग प्लांट यंग शूट्स डोंट प्रोड्यूस मच फ्लावरिंग, इधर एक दो आते हैं लेकिन उसका आप ज़्यादा फ्रूट नहीं मिलेगा। जो आप देखेंगे तो मैच्योर स्टेम्स को ही आपको फ्लावरिंग फ्रूटिंग देख सकते हैं आप प्लांट को। और एक क्वेश्चन था प्लांट को 8 साल 10 साल मैच्योर होने के बाद ही हम उसको लाइट देना है और उससे ऑक्सीजन प्रोडक्शन लेना है, पर आप देख सकते हैं ये तो 2 साल का प्लांट था और सीजन प्रोडक्शन लिए, ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी लिया, फिर से ये आप फ्लावरिंग देख सकते हैं लेकिन ये खाली मई है, दैट इज़ नॉट सीज़न, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। सीज़न स्टार्ट होता है
जब टेम्परेचर्स कम होगा और इंडिया में मॉनसून अराइवल होगा, क्योंकि उसको बारिश अकेशनल रेंज चाहिए। इस बार अकेशनल रेंज एक दो बार हो गया 10-15 दिन के पहले तेलंगाना में, सो इसकी वजह से ये पूरा फ्लावरिंग आ गया। लेकिन ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है फ्रूट फ्लावर को रखने के लिए, और इससे प्लांट को डैमेज होगा, क्योंकि फ्लावरिंग तो आ गया लेकिन फ्रूट, अगर आप देख सकते हैं, फ्रूट जब छोटा ही है तो ये कलर भी चेंज हो जा रहा है, रेड हो गया, हार्डली रहेगा 150 से 200 ग्राम से, उससे कम रहेगा, आपको वायबल रहेगा, क्वालिटी नहीं रहेगा, और इससे ये ऑफ सीजन ऑफ टाइम फ्लावरिंग से आपको नुकसान ही है, और साइज नहीं मिलेगा, और उसका जो स्टोर्ड फूड है जो सीजन में प्रोडक्शन करना है, जो अभी फ्रूट दे देगा वो, उसको फ्रूट लेने की नहीं ले तो ही अच्छा है, क्योंकि उसका भाव नहीं मिलेगा और फार्मर डेफिनेटली निराश हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था, एलईडी फार्मिंग एक्सपेंसिव है, वायबल नहीं है? मेरे मित्रों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको एक पोल के लिए एक बल्ब लगाई थी, उसका खर्चा आया तकरीबन 1000 रुपये, लेकिन आपको इंपोर्ट करने के लिए प्लांट को और ये बल्ब को हमें तकरीबन 50% टैक्सेशन के रूप में हम गवर्नमेंट को पे करना पड़ा, माने 500 रुपीज़ उसी में चले गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 100 रुपये चले गया, फ्लाइट चार्जेस उसको लाइट्स इंडिया को ले आने के लिए, सो ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ उसका कॉस्ट है, 300 to 400 रुपीज़, और 600 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। सिर्फ सब्सिडीज़ देने के बाद, अगर सब्सिडीज़ गवर्नमेंट कंसिडर करके इसको सब्सिडीज़ कुछ देगा, नहीं तो इंडियन में लोकल हम प्रोडक्शन करवाएंगे तो ये बहुत वायबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने लास्ट सीजन इसके ऊपर 1000 रुपये एक पोल पे हमने खर्चा किए, माने हो जाएगा 500 पोल 500,000 रुपये, और उसका हमारा बिल तकरीबन एलईडी बल्ब्स लिए 10 वाट का, और रात भर तो उजाला नहीं चाहिए, उसको स्पेसिफिक आवर्स चाहिए, हमें मिला 30 to 35,000 के बीच में हमें उसका पावर बिल आया था, कमर्शियल बिल, कमर्शियल डालने के बाद भी, और ये हो जाता है 5.3 लाख, तो 5.5 लाख ले लीजिए, और हमें प्रोडक्शन मिला है 2.5 टन, सो उसको सेल करने पर लॉकडाउन के टाइम में हमें मिला है 2.5 टन, उसको सेल करने पर हमें मिला है 7.5 लाख रुपीज़, ये 5.5 लाख जाएगा, 2 लाख तो प्रॉफिट है, ये तो आप समझ लेना चाहिए, डेफिनेटली एलईडी फार्मिंग इज़ वायबल, और ये तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही है, अगर एक बार ले लिए तो आपको 15-20 साल उसको बल्ब तो उसका चलता ही जाएगा, वो तो ख़राब नहीं होगा, अनटिल अनलेस आप उसका कंटिन्यूस यूज़ तो नहीं करते हैं, साल में 2-3 महीने यूज़ करते हैं, वो भी रात में थोड़े घंटे ही यूज़ करेंगे उसको, सो इट इज़ उसका ख़राब होने की चीज़ भी नहीं है वो, सो इट इज़ वायबल। और एलईडी प्रोडक्शन के बाद प्लांट जो फ्लावरिंग नेक्स्ट सीजन में, क्योंकि एलईडी सीजन में आप ले लिए तो जून से जुलाई और नहीं तो अक्टूबर नवंबर तक हम फ्रूटिंग फ्लावरिंग लेंगे, उसका प्रोडक्शन आपको मिल जाता है, उसके बाद हम ऑफ सीजन प्रोडक्शन लेते हैं, और उसका मार्च तक हो जाता है। हमारे मित्रों ने ये कहा है कि उसका ग्रोथ नहीं होगा और नेक्स्ट सीज़न का फ्रूटिंग इफेक्ट होगा, पर एक मिनट आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टुडे आज 25 मे, फोर्थ वीक ऑफ मे, पीक समर में हम ये यहाँ पे एक दो बारिश अकाल वर्ष मीन ये रेन्स हो गया था, उससे यहाँ पे फ्लावरिंग हो गया है, और खुद आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कितने फ्लावर्स हैं, तकरीबन 25 फ्लावर्स है यहाँ पे एक स्पेल में, सो फ्लावरिंग देर इज नो प्रॉब्लम, दैट इज ये प्रैक्टिकली दिख रहा आपको, और इस तरफ देखिए आप जो हमारे जो इंडियन वेराइटीज और एबीए वेराइटीज हम बोलते हैं उसका आप देखिए, आप देख सकते हैं ग्रोथ, सन डैमेज, फ्लावरिंग नहीं है, इसका आपको फ़र्क आपके सामने है।
ये जो देख रहे हैं आप, ये अराउंड 2 years 9 months ओल्ड है प्लांटेशन, और फंगल ग्रोथ कितना है वो देख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे व्यूअर्स का और एक क्वेश्चन है एलईडी के बल्ब के बारे में। एलईडी बल्ब लगाने से प्लांट को डैमेज होगा और बल्ब से जो हीट जनरेट होगा उससे प्लांट येलो हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि वो एलईडी जो बल्ब हमने मैन्युफैक्चर करी है वो उसको हम इंसुलेटिंग लेयर है, वो दैट विल ओनली एमिट लाइट नॉट हीट, उसको उसमें से टेम्परेचर नहीं निकलेगा। और इससे पहले हमने जो एक्सपेरिमेंट कर ली है येलो बल्ब से, जो इंडियन वैरायटी 40 वाट बल्ब से, उससे टेम्परेचर रेडिएट होगा, उससे फंगल आउटब्रेक्स ज़्यादा हो जाएंगे। वो मैंने 2 साल पहले ही एक्सपेरिमेंट मैंने प्रैक्टिकली ट्राई करके वो देखा है, और येलो होने की चांसेस नहीं है। तो आप खुद ही देख सकते हैं प्लांट के ऊपर, प्लांट इज वेरी हेल्दी। अगर कुछ और भी आपको डाउट्स हैं, और हमारा वेबसाइट है डेकन www.deccanexotics.com, और यूट्यूब चैनल है डेकन एग्जॉटिक्स, या फ़ोन पे हमारे कॉल करके हमें बात कर सकते हैं 7331155778 या 7702220145। इसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप, आपको कुछ क्वेरीज है तो हमें भेज दीजिए। आई ट्राई टू आंसर जो मेरे से मेरे जो छोटा नॉलेज है मैं दूसरे फार्मर्स को मैं शेयर करना चाहता हूँ। और दिस इज़ नॉट एनी कमर्शियल वीडियो, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल एनीथिंग। मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन है फार्मर्स को शेयर कर रहा हूँ, और आपका इंफॉर्मेशन है जो मुझे भी शेयर कर दीजिए, सो आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव। एंड ये नॉलेज सबको ये एक्सपीरियंसेस, स्पेशली नॉलेज और एक्सपीरियंसेस सबको शेयर करें। सो ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग इंडिया में वायबल होना चाहिए, और इंडस्ट्री यहाँ पे स्टडी ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम्स हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, उसको हम ओवरकम करना है। नहीं तो हार मान लिए तो डेफिनेटली फार्मर जो नया फार्मर्स लगा के वो अगर हार मान लिए तो दिस नॉट नो कोई बात नहीं है। सो वी शुड फाइंड अ वे टू टैकल दिस प्रॉब्लम्स, उसको सॉल्व करना है। और आपका एक्सपीरियंसेस मुझे शेयर कर दीजिए, आपका सजेशंस भी मुझे शेयर कर दीजिए। जो मैंने आपको नंबर्स दिया है 7331155778 7702220145, या ईमेल कर सकते हैं deccanexoticsindia@gmail.com, या वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, या फेसबुक पेज भी हमारा भी है, उस पर भी विजिट कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। ये जो आप देख रहे हैं हमारे सी वैरायटी का नर्सरी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो फार्म में हमारे जो एक्सपेंशन हो रही है सी वैरायटी की प्लांटेशंस, और जो हमारे फार्मर्स हमारे डेकन एग्जॉटिक्स प्लांट्स ऑलरेडी फ़रवरी से यहाँ पे एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, उनको अभी जून जुलाई में या जुलाई अगस्त में हम डिलीवरी देने के लिए तैयार हैं ये प्लांटेशंस। और जो नया ऑर्डर्स आने वाले हैं, क्योंकि जो जुलाई से यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट में और फ्रूटिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, उनको डिलीवर इमिडिएटली डिलीवर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसका प्रोडक्शन एरिया बहुत कम है। बिकॉज़ यहाँ पे हम 6 acres में ये मदर प्लांटेशन है, सो प्लांट्स देना है तो उसी 6 acres में से ही प्लांट्स को कटिंग्स लेके उसको ग्रो करके फार्मर्स को देना है। और स्पेशली अगला हमें बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि सी वैरायटी बोल के इसको बहुत सारे फार्मर्स महाराष्ट्र गुजरात में इसको बेच रहे हैं, लेकिन उनसे धोखा मत खाइए आप, क्योंकि ये खाली 6 महीने हो गया है अभी सी वैरायटी को हम बाहर मार्केट को देते हुए, और उसको रिप्लिकेट करके बड़ा करके रिप्लिकेट करके मैच्योर स्टेम्स काट के देने के लिए एटलीस्ट 2 साल रहेंगे, 2 साल मिनिमम रहेगा, तब तक आप धोखा मत खाइए, अननेसरी आपका पैसे मत वेस्ट करिए, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। सी वैरायटी बोल के दूसरा वैरायटी आपको दे रहे हैं, और प्लांट्स देने के बाद हमारे फार्मर्स सफ़र हो रहे हैं, हमको कॉल कर रहे हैं कि प्लांट्स इन्फेक्शन ज़्यादा है, सनबर्न ज़्यादा है।
सो वी कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज यहाँ पे ऑथेंटिसिटी नहीं है दूसरे फार्मर के साथ. अगर कृपया थोड़ी देर रोक लीजिए और जेन्युइन प्लांट ही लीजिए. जल्दबाजी में आप दूसरा वैरायटी लेके और क्योंकि ये 20 साल रहने वाला प्लांट है, जल्दबाजी में आप लेके उस बाद में आपके पैसे कम हो जाएंगे और वेस्ट हो जाएंगे और आप सफ़र हो जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. दोस्तों वीडियो काफ़ी शानदार थी. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और शेयर उससे ज़्यादा करें. इस वीडियो को कम से कम 5 ग्रुप्स में जरूर शेयर करें. और लाइक्स का जो टारगेट है मात्र 10,000 हमने रखा है. जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी भी दबाएं. जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में. धन्यवाद. जय हिंद.